हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने का आज मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ। दो तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज फोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन। ये रहा अपने लैपटॉप का स्क्रीन। सबसे पहले देखते हैं फोल्डर बनाने का जो बेसिक ट्रिक है वो, उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट। तो चलिए सबसे बेसिक ट्रिक जो है वो है हमारा यहाँ का जो बटन होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किए यहाँ पे क्या आ गया, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू करके एक ऑप्शन है। न्यू पे जैसे ही जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आता है। हमको क्या करना है, फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर का ऑप्शन है। जैसे हम लोग फोल्डर पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या फोल्डर आ चुका है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक से फोल्डर बनाना। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि 2 सेकेंड में फोल्डर बनाना सीखे, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एन, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, साथ में शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे और एन को यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक फोल्डर हमारा बन चुका है जिसका नाम है न्यू फोल्डर 3, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।